नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। एक कांच का बल्ब जो हल्का सा टकराने पर टूट जाए, उसी बल्ब पर उकेरा गया नमोकार मंत्र। ये हुनर है ग्वालियर शहर के 70 साल के बुजुर्ग विमल चंद्र जैन का। विमल चंद्र उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिसमें आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन इसी ढलती उम्र में बिजली के बल्ब पर छेनी हथौड़े से विमल ने बिना चश्मे के नक्काशी बनाने का हुनर दिखाया। विमल के इस शानदार हुनर को देख हर कोई हैरान है। वहीं अपने हुनर को लेकर विमल चंद्र ने कहा कि वो बल्ब पर नमोकार मंत्र 2 से 3 घंटे में लिख देते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर है ना, औजार सही हो, धार नहीं बैठे तो लिख दूंगा 2-3 घंटे में। और थोड़ा छोटा मंत्र हो तो घंटे भर में लिख दूंगा मैं। अभी तक आपने कितने बल्ब? नहीं, 3-4 बल्ब ही लिखे। मैं लिखता नहीं हूँ ज़्यादा, उतना ही लिखता हूँ। नमोकार मंत्र है जी। कहते ना, 2-3 घंटे लगेंगे लिखने में। ऐसा नहीं है कि बिजली के बल्ब पर नक्काशी करना आसान था। इसके लिए विमल ने खूब प्रैक्टिस की है, जिसके बाद उन्हें इस हुनर में कामयाबी मिली। दरअसल विमल 15 साल की उम्र से बर्तनों पर नाम लिखने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उनको ख्वाहिश हुई कि वो कुछ अलग करें। इसके बाद उन्होंने शील्ड और ट्रॉफियों पर नाम लिखना शुरू किया। विमल चंद्र ने अपने हुनर को निखारा और इसके बाद पत्थर, अष्ट धातु और ग्रेनाइट पर लिखना शुरू किया। इसके बाद उनका सपना था कि वो कांच पर लिखें, और फिर लगातार प्रैक्टिस के बाद उन्होंने कांच पर लिखना शुरू कर दिया। अब विमल लोगों की डिमांड के मुताबिक बल्ब पर नक्काशी करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।